ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादस्य हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। आइए जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 20 जून सन 2024, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज से वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्योदय से सायकाल 6:09 तक सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:12 से दोपहर 3:56 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा, आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौघड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:17 तक शुभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वान 10:45 से दोपहर 2:12 तक चर लाभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:56 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का, शुभ तिथि का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है आज तकदीर आपकी, सितारे आपके, किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार किन उपायों को करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जब भी मन और मस्तिष्क के मध्य में टकराव हो, जब भी मन और मस्तिष्क के मध्य में टकराव हो तो मन की सुनना सीख लीजिए। जीवन में हारना सबसे बड़ी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, ध्यान रखो, भाग्य का साथ तभी मिलता है जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति संकल्पित रहेंगे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहो। जितनी मेहनत करोगे भाग्य भी उतना साथ देगा। समाधान,
पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दशक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, आज का दिन खुशियां देने वाला रहेगा। बिगड़े हुए कार्य बनते हुए नजर आएंगे। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीता जी जयपुर से प्रश्न पूछे। नीता जी आपका हेलो, प्रश्न पूछे नीता जी। नमस्कार जी, जय श्री कृष्णा। मुझे अपनी बेटी के बारे में, शादी के बारे में पूछना है। बताइए। तो उसका बर्थ जी, उसका 15/10/90, 15 अक्टूबर जी जी 1990, समय 6:30 PM, 6:30 शाम का जी जी। प्रश्न क्या है उसकी शादी के बारे में? देखिए, 15 अक्टूबर 1990 शाम को 6:30 जयपुर का जन्म है। जयपुर नहीं, उदयपुर का जन्म है। उदयपुर का जन्म है, उदयपुर। देख, ऐसा है नीता जी, जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है। इसको 2020 से राहु की महादशा में भी गुरु का अंतर है, और गुरु का राहु में गुरु चंडाल योग कहलाता है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में इसका दाम्पत्य भाव का विवाह के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच राशि का है और अस्त है, या तो विवाह होता नहीं है, और विवाह हो जाए तो विवाह सुखमय नहीं होता है, क्योंकि दाम्पत्य भाव का स्वामी ही नीच राशि का हो गया। शब्द ही खराब है, नीच मतलब खराब, कहते हैं नीच आदमी है मतलब खराब आदमी है, तो शुक्र नीच राशि का हो गया। भाग्य स्थान का स्वामी गुरु उच्च राशि का है, तब क्या करें ऐसे में, चूंकि शुक्र नीच राशि का है, और शुक्र कब नीच राशि का होता है, जब वो बुध के घर में बैठता है। तो आपको शुक्र को अगर डाउन करना है तो बुध को अप करना होगा। तो एक पन्ना रत्न इसको पहना के रखिए, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न, एमरेल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, पन्ना रत्न सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहनाना है। डायमंड या जर्किन भूल कर भी इस बच्ची को नहीं पहनाना है, जीवन भर नहीं पहनाना है। ऑफ वाइट रंग से दूर रखिए। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रदान करते रहिए इस बच्ची के हाथ से। दूसरा काम ये करना है कि येलो सफायर, पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में डाल दीजिएगा इसको। जहाँ तक मुझे लगता है, इसके विवाह का योग जो बनता है वो अगले वर्ष बनता है, यानी अगले वर्ष के जो सावे होंगे निश्चित तौर पे उसमें उसका विवाह हो जाएगा। 2025 जनवरी से लेकर जुलाई के मध्य में इसका विवाह का योग निश्चित तौर पे हो जाएगा। सिलेक्शन शुड बी वेरी प्रॉपर, जब भी विवाह करें योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करें। अभी गुप्त नवरात्र आएंगी जुलाई में, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ संपुटित कराइए, निश्चित तौर पे इस बच्ची को सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। एक और कॉलर हमारे साथ दुष्यंत जी जुड़े हुए अजमेर से, आपका प्रश्न पूछिए दुष्यंत जी। हाँ पूछिए। जय श्री कृष्णा। किशन मोहन। हाँ किशन जी पूछिए। 4/3/1982। 4 मार्च। हाँ 1982। 4 मार्च 1982, समय? सुबह, समय सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। हाँ। जन्म स्थान अजमेर। प्रश्न पूछे। मेरा व्यापार नहीं चल रहा। क्या व्यापार करते हो? मैं कपड़े की दुकान। दुकान का नाम क्या है? वी बैगन। हाँ वी बैगन, आर पे। हाँ वी वी बैगन। ओके, देखो ऐसा है किशन, एक तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है, कुछ दुकान ऐसी होती है, कुछ फर्म ऐसी होती है लेस इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न, और कुछ होती है मोर इन्वेस्टमेंट लेस रिटर्न, और कुछ लेस रिटर्न मोर इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपका और आपकी दुकान का जो नाम का कॉम्बिनेशन है, किशन यानी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, आप मांगते हो दुकान से 5 रुपये और दुकान आपसे मांगती है 9 रुपये, तो 5 रुपये आपको मिल रहे हैं और लागत कितनी लग गई? 9 रुपये, तो 4 रुपये का नुकसान हो गया। तो आपको जो दुकान का नाम रखना चाहिए वो किस पे रखना चाहिए? वो या तो रखो ए के ऊपर, या दीपक वाला द पे रखो, या अर्जुन वाला ए के ऊपर नाम रखो दुकान का, जिसमें आप प्रॉपराइटर रहोगे तो उसमें लाभ प्राप्त होगा।
शनि की महादशा आपको चल रही है और शनि की महादशा में भी वर्तमान में केतु चल रहा है। इस पूरे जनवरी से आपको केतु चल रहा है। केतु सर्प के माफिक है, सांप की पूंछ है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ये पीरियड आपका रहेगा जनवरी 2025 तक। तत्पश्चात शनि की महादशा शुक्र का अंतर आएगा, वो आपके जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। आपको डायमंड पहन के रहना है, रिंग फिंगर के अंदर 46 सेंट से ऊपर का डायमंड पहन के रहिए, या जर्किन पहने तो 8.5-9 रत्ती का जर्किन धारण करके रखिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, अच्छे व्यापारी बनेंगे। लेकिन आपका गोल्डन समय जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी तीन राशियों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते, एक अच्छी रिलेशनशिप कुछ मांगती नहीं है। रिलेशनशिप को क्या चाहिए, सिर्फ वक्त चाहिए और इज्जत चाहिए। कोई भी रिश्ता हो उसको समय चाहिए होता है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, इज्जत चाहिए होती है। इसलिए क्या करें महाराज, रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना सीख लो, रिश्ते खुशनुमा हो जाएंगे। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, माता पिता नीम के पेड़ के जैसे होते हैं। माता पिता नीम के पेड़ के जैसे होते हैं। नीम के पेड़ के पत्ते भले ही कड़वे हो, पर नीम का पेड़ हमेशा छाया ठंडी देता है। इसलिए फलसफा क्या है महाराज, भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, और छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, खुली हवा सिर्फ इंसान को ही नहीं, कभी कभी रिश्तों को भी चाहिए। आप बंद कमरे में कितनी देर बैठ सकते हैं, आपको लगेगा ना मुझे हवा में सांस लेना है, फ्रेश एयर के अंदर सांस लेना है, खुली हवा में सांस लेना है। जब आपको सांस की जरूरत है तो आपके रिश्तों को भी खुली हवा की जरूरत है, सांस की जरूरत है। इसलिए क्या करें महाराज, कि जो आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, उनको भी खुली हवा देते रहें, फ्रेश एयर देते रहें, और अगर रिश्ते खुशनुमा बने रहेंगे तो आपका जीवन भी खुशनुमा बना रहेगा, और रिश्ते दुख में रहेंगे तो आपका जीवन भी दुख में रहेगा। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं हमारे एक साथी जो इस शो से पिछले 10 साल से जुड़े हुए थे, आपके और हमारे बीच में इस कैमरे के माध्यम से हमारे शो को दिखाने वाले हमारे प्रिय साथी संदीप सिंह रावत अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके देवलोक गमन पर मैं हजारों करोड़ों दशकों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि प्रदान करता हूँ, नमन करता हूँ। और इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति ईश्वर उनके परिवारजन को प्रदान करे, यही कामना मैं माँ भगवती से करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाकी बची हुई 6 राशियों की। तुला राशि, तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में मिसाल कायम करना चाहते हो तो आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। कुछ बनना चाहते हो तो रास्ते पे चलना होगा, मेहनत करनी होगी। इस फलसफे को ध्यान रखो। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिए, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, खुद से सवाल कीजिए, खुद से सवाल करना सीख लो, और उन सवालों का जो जवाब मिलेगा आपको अपने अंदर से, वही आपके सफलता के रास्ते खोलेगा। रिस्क फैक्टर वाले कार्य आज मत कीजिएगा। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, हर परिस्थिति एक सौगात है, हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना है। हर परिस्थिति एक सौगात है और हर अनुभव एक खजाना है। खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सफलता आपके आसपास बन रहेगी। समाधान, केसर का तिलक लगाएं, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा बारह से प्रश्न पूछिए। पूजा जी, जय श्री कृष्णा। गुरु जी, जय श्री कृष्णा। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से मेरी नौकरी पे लग गई और मुझे पूछना था कि मेरी जन्म दिनांक 4 फरवरी 1991 7 फरवरी 1991 समय 2:35 AM सुबह का 2:35 2:33 ओके। प्रश्न क्या बेटा? मेरा ये था गुरु जी, 4 फरवरी को मेरी जन्मदिनांक है, 2:33 समय है, 4 है ना, तो मेरी एक शादी तो हो चुकी गुरु जी, पर उसका डाइवोर्स हो गया, तो अब मुझे ये पूछना कि रीमैरिज का योग है या नहीं, या सक्सेसफुल होगी या नहीं। देखिए बेटा, दो चीज़ें हैं। एक तो इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर तृतीय भाव में सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य शनि जब साथ होता है तो भारी पितृदोष बनता है। एक पितृदोष मुख्य कारण रहता है वैवाहिक जीवन में, यदि सुख में नहीं हो, घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश हो, तो उसका एक कारण पितृदोष भी होता है। तो विधि विधान पूर्वक इनके पिता को उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति करानी चाहिए। नारायण बलि कर्म उसके साथ साथ में 11.5 महीने के पिंडदान और तर्पण इत्यादि कर्म वहाँ पे उज्जैन घाट पे जाके, और इस बच्चे के निमित्त की मेरे पुत्र की कुंडली के मध्य जो पितृदोष है उसके निमित्त मैं पूजा कर रहा हूँ, जिसका पूर्ण फल मेरे पुत्र को प्राप्त हो। क्योंकि इसकी कुंडली में इसके दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है शुक्र है। ये कुंडली ये नहीं कहती है कि इसको विवाह का सुख नहीं मिलेगा, लेकिन कई बार कुंडलियों के बियॉन्ड जाकर भी चीज़ें होती हैं, उसका मुख्य कारण ये पितृदोष का होना है, भारी पितृदोष है। और आप अपने घर में पितरों के निमित्त देशी घी का दीपक नियमित रूप से जला के रखिए। वर्तमान में बुध की महादशा और सूर्य का अंतर चल रहा है। अगस्त 2024 के पश्चात में इसका विवाह का योग बनेगा, लेकिन योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके उसके पश्चात ही आप इसका विवाह कीजिएगा। इस वर्ष अगस्त के पश्चात में पुनः योग बनेगा। चलिए बात करते हैं बाकी बची हुई 3 राशियों की। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, काम काज में फोकस बनाए रखिएगा। व्यापार में धन लाभ होगा, आधी अधूरी बातों में पड़ने से बचिएगा, बेतुकी बातों में पड़ने से बचिएगा। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि नकारात्मक सोच से दूर रहना सीख लो, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव अप्रोच से दूर रहो। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो, वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हो, और अपनी आदतों को बदल लो, आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्या महाराज? अपनी आदतों को बदल लो, आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आइए जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम निष्ठाय नमः, 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 ओम निष्ठाय नमः। लाभ क्या है इस दिव्य मंत्र का? प्रतिदिन जाप करके घर से निकलें, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स, आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले स्पेशल गुड लक टिप्स। आज चने की दाल में लौकी डालकर
उसका सेवन कीजिएगा। चने की दाल बनाइएगा, लौकी डाल दीजिएगा, उस दाल का सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज, घुटनों के दर्द से आपको मुक्ति मिलेगी। 11 ब्रेड के पैकेट साई मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट दीजिएगा। कम से कम 11 ब्रेड के पैकेट साई मंदिर में चढ़ाकर बच्चों में बांट दीजिएगा। क्या होगा, पढ़ने वाले बच्चों को एग्जाम में सफलता मिलेगी। एक साबुत लौकी के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिएगा और गौ माता को खिलाइएगा। कम से कम एक लौकी, और भी चाहते हैं तो कर लीजिएगा, एक साबुत लौकी लीजिएगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गौ माता को खिलाइएगा। बढ़ते कर से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेगी। नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए विष्णु चालीसा की छोटी बुक अपनी पॉकेट में रखिएगा। निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार में दिन खुशनुमा बना रहेगा। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती जलाइएगा, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। क्या होगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।